today I am going to revise these chapters what we have taught in these previous classes. First, heat. What is heat? The heat is a form of energy. कि हीट एनर्जी का ही एक फॉर्म है. एनर्जी क्या है? द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. कि हमें किसी प्रकार की काम करने की एबिलिटी हो या क्षमता होती है उस वह एनर्जी कहलाती है. इसी तरह कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कंजर्व करने का क्या लॉ है. एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बट इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. केवल इसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं. यह हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर कहता है कि हीट एंड इट्स इफेक्ट. तो व्हाट आर दिस इफेक्ट ऑफ दिस हीट? तो देयर आर मेनी इफेक्ट ऑफ द हीट. कि जब किसी भी सब्सटेंस को हम लोग हीट करते हैं बहुत सारे उसमें इफेक्ट उत्पन्न होते हैं. फर्स्ट है हीट काउजेस इंक्रीज इन द टेम्परेचर. हीट करने के बाद फर्स्ट टेम्परेचर इंक्रीज करती है. सेकंड, हीट काउजेज एक्सपेंशन. हीट करने के बाद उसमें एक्सपेंशन भी होती है. थर्ड, हीट काउजेज चेंज ऑफ स्टेट. हीट करने के बाद उसका स्टेट भी चेंज होती है. यदि सॉलिड रहेगी तो हीट करने के बाद लिक्विड बनती है. लिक्विड को यदि हीट करते हैं तो गैसियस फॉर्म में आ जाती है. फोर्थ, हीट काउजेस केमिकल चेंज. हीट के कारण केमिकल चेंज भी होती है. कि जैसे हम लोग कहते हैं कि खाना बनाते हैं उसमें रॉ मटेरियल्स को डालते हैं, जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद कहता है कि वह फूड तैयार हो जाती है, अर्थात उसमें प्रीवियस से कहता है कि उसका टेस्ट बदल जाती है. सो केमिकल चेंज हुई. फिफ्थ, हीट अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी इफेक्ट डालती है. तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ दिस हीट. नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज एक्सपेंशन? एक्सपेंशन क्या है? कि व्हेन वी हीट ए सब्सटेंस द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेस. जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को जब हीट करते हैं उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी को गेन करके उसमें मूवमेंट होती है. दिस इंक्रीज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. इस काइनेटिक एनर्जी को गेन करके वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस. अर्थात कह सकते हैं उसका वॉल्यूम इंक्रीजमेंट हुई. वी से दैट हीट काउजेज एक्सपेंशन. इस प्रकार से कह सकते हैं कि हीट के कारण वो एक्सपेंड करेगा. सॉलिड एक्सपेंड, सॉलिड इज हीटेड इज एक्सपेंड्स द लीस्ट. इस सॉलिड को हीट करते हैं तो बहुत कम उसमें एक्सपेंशन आती है. वेयर एज गैसेस एक्सपेंड्स द मोस्ट. जबकि गैस में एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होती है. एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड कैन बी पुट टू यूज. इसी एक्सपेंशन सॉलिड के एक्सपेंशन का हम कुछ इस्तेमाल भी करते हैं. बट एट मैनी प्लेसेस एक्सपेंशन काउजेस प्रॉब्लम. लेकिन बहुत सारे कहते हैं कैसे काउजेस हो सकते हैं जिसमें हम लोग प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो सकती है. तो फर्स्ट है कि एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड कैन बी पुट टू यूज. किसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो फर्स्ट है इन ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम. इफर्ट इसे सॉलिड के एक्सपेंशन के कारण फॉर अलार्म सिस्टम में भी कहता है. जो ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम थी उसमें हम लोग देखते थे कि जब सॉलिड को हीट किया जाता था वेंट होने के बाद कहता है उसे टच करती थी और व्हील उसमें रिंग होना शुरू हो जाती थी. सेकंड, मेटल कैप्स ऑन द ग्लास बोटल्स कैन बी लूजेंड बाई पोरिंग हॉट वाटर. सपोज करते हैं कि जैसे कोई बोटल है, ग्लास बोटल है, उसके कैप कहता है कि खुल नहीं रहा, ओपन नहीं हो रही है, तब उसको हम लोग कहते हैं उस पर हम लोग हॉट वाटर को डाल देते हैं. हॉट वाटर को डालने के बाद खोलते हैं वो देखते हैं कि लूजेंड हो गया. क्यों? चूँकि उसके कत्ता कैप से मेटल के बने होते हैं. जब कत्ता हॉट वाटर को उस पर डाला गया और हीट को गेन करके एक्सपेंड करके और इजीली हम लोग आसानी से खोल लेते हैं. एक्सपेंशन काउजेस प्रॉब्लम.
एक्सपेंशन के कारण करता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। इन इलेक्ट्रिक केबल बिटवीन टू पोल्स एक्सपेंड्स एंड द सेक्स, ऐसे जनरली देखते हैं कि वायर होते हैं जो पोल के बीच, दो पोलों के बीच स्थित होते हैं। गर्मी के मौसम में करता है कि जब टेम्परेचर अधिक बढ़ती है तो एक्सपेंड करके थोड़ा नीचे चला जाता है, अर्थात लूज हो जाती है। लेकिन यही करता है कि वायर जब ठंडे के मौसम होती है तो कॉन्टैक्ट करती है और जिस कारण से यह वायर टाइट हो जाती है। तो हम लोग प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यदि हम लोग करता है समर में सपोज करता है कि हम लोग वायर को करता है कि लगा रहे हैं, उसमें हम लोग करता है लूज नहीं रखेंगे। विंटर में करता है कि एक्सपेंड कॉन्टैक्ट होने के कारण वो करता ब्रेक हो सकती है। सेकेंड, द रेलवे ट्रैक्स ओवर भीच ट्रेन रन, जो रेलवे ट्रेन जो होती है, रेलवे ट्रैक जो आयरन की बनी होती है उस पर जो ट्रेन मूव करती है, तो देखते हैं कि दो ट्रैकों के बीच जब ज्वाइंट करते हैं कुछ हम लोग स्पेस डाल देते हैं। इसलिए कि समर वैकेशन में करता है कि जब ट्रेन करता है उसका टेम्परेचर बहुत बड़ी होती है, जब ट्रेन उस पर मूव करती है एक्सपेंड होकर वह करता है पूरे गैप को फिल कर लेती है, जिससे एक्सीडेंट नहीं होती। यदि दोनों ट्रैक के बीच गैप नहीं रहेगी तो अब एक्सपेंड होने के कारण वो वेंट हो जाएगी, जिसके कारण से एक्सीडेंट हो सकता है। थर्ड है, इन अ स्टील ब्रिज में हम लोग देखते हैं कि स्टील का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी कहता है कि एक्सपेंशन को कहता है कि इसको एक्सीडेंट से बचने के लिए वन एंड को हम लोग रोलर पर कहता है कि फिट करते हैं, ताकि एक्सपेंड होकर वह आगे के एक्सपेंड कर सके, बढ़ सके, और जिससे वह कहता है किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होने सके। फोर्थ है कि वेन वेरी हॉट वाटर इज पोर्ड इन द ग्लास टम्बलर, कभी कभी हम लोग जनरली देखते हैं किसी ग्लास में जब बहुत हॉट वाटर डालते हैं एकाएक क्रैक हो जाती है। इसलिए कहता है कि हॉट वाटर डालने के बाद वह क्रैक नहीं कर सके। ऐसा इसलिए होती है कि जब हम लोग ग्लास में हॉट वाटर डालते हैं इनसाइड सरफेस हीट को गेन करके एक्सपेंड कर जाती है, लेकिन आउटर सरफेस में उसमें किसी प्रकार का इंक्रीजमेंट नहीं होती है, और जिस कारण से वो क्रैक कर जाती है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड्स। नेक्स्ट पार्ट है टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, कि द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द टेम्परेचर, कि किसी बॉडी में उसका हॉटनेस कितनी है और कोल्डनेस कितनी है, कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है एक दूसरे के रूप में जो कंपेरिजन करते हैं, इसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। इफ द हीट इज सप्लाइड टू द बॉडी, हम लोग जानते हैं जब किसी भी बॉडी को हम लोग हीट सप्लाई करते हैं इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, बट वेन हीट इज रिमूव्ड इट टेम्परेचर डिक्रीजेस, लेकिन हीट को रिमूव करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करती है। नेक्स्ट पार्ट, यूनिट्स ऑफ द टेम्परेचर, तो देर आर थ्री यूनिट्स ऑफ द टेम्परेचर। फर्स्ट है सेल्सियस स्केल, सेकंड है फारेनहाइट स्केल, और थर्ड है केल्विन स्केल। ऐसे जनरली कहता है कि हम लोग डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जनरली केल्विन टेम्परेचर स्केल टेम्परेचर ये हम लोग साइंटिफिक वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन द सेल्सियस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री। सेल्सियस स्केल में हम लोग इसका लोअर पॉइंट कहता है कि हम लोग प्योर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट पर लेते हैं, एंड अपर पॉइंट दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर दैट इज 100 डिग्री से। सो अपर स्केल में उसका हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। इन फारेनहाइट स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर प्योर वाटर इज 32 डिग्री सेल्सियस। यहाँ है कहता है 0 डिग्री, इसमें आ गया लोअर पॉइंट हो जाएगी 32 डिग्री फारेनहाइट, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज कल टू 212 डिग्री एफ। तो हम लोग ये जनरली कहता है कि दो स्केल लेकर हम लोग इसमें शो करते हैं। अब इन दोनों के बीच व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन देम, द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल। तो सेंटीग्रेड और फारेनहाइट डिग्री, इसका लोअर पॉइंट कहता है 0 डिग्री, 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच कितना डिवीजन है, 100 0 से इसको माइनस किया दोनों में। फारेनहाइट स्केल में कहता है लोअर फिक्स पॉइंट कहता है 32 थी, इसमें अपर फिक्स पॉइंट कहता है 212 था,
इसमें 71 किलो वाट फिक्स पॉइंट को माइनस किया अर्थात दोनों के बीच का इंटरवल 180 डिग्री आती है। सबट्रैक्ट किए तो सी वाई 100 इक्वल टू एफ माइनस 32/180 20 से डिवाइड किया 25 जा 29 जा दैट मीन्स सी वाई 5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9 देयर फोर सी इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट एफ माइनस 32 और दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशंस टू फाइंड द सेंटीग्रेड स्केल। इस सेंटीग्रेड स्केल में फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अगेन सी वाई 5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 ब्रैकेट एफ माइनस 32 इज इक्वल टू 9c देयरफॉर एफ माइनस 32 इक्वल टू 9/5c देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32 डिग्री। यदि डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है फारेनहाइट स्केल में हमको फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है। इसी के